आवाज आ रही है, 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 आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। चलो, विवरण पॉलिनेशन। एक कोई तो भी गायब हो चुका है मौके का फायदा उठाते हुए। कौन है वो? डरावनी सी। यस इट्स मी। यस, चलो चलो चलो, पॉलिनेशन पे आ जाओ। फटाफट 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 पॉलिनेशन देखो क्या होगा। पॉलिनेशन बहुत ही टफ टॉपिक है, आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा। पढ़ाई है, डेफिनेटली पढ़ाया है यार। पॉलिनेशन पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, इतने बड़े हो गए, 11th में आ चुके हो तुम। पॉलिनेशन क्या ही पढ़ोगे, बट फिर से पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। देखो, माइक्रोस्पोर एंजियम, माइक्रो जहां भी आ जाता है, मेल समझ लेना। मेल समझोगे तो पोलन अपने आप समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्पोर एंजियम प्रोड्यूसेस न्यूमरस लाइट पोलन ग्रेन्स। आई विल शो यू दैट वीडियो आफ्टर द क्लास। मतलब अगर आप मैसेज करोगे तो आपको दिखा दूंगा। पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस, एनिमोफिलस इज विंड पॉलिनेशन। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मे भी आगे चल के किसी भी क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। बाकी गूगल कर लेना, चार पांच टाइप के होते हैं। विंड, वाटर, एयर, एनिमल, बैट्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, अलग अजीब अजीब नाम दे रखे हैं, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाई इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट इज जस्ट अ कवरिंग। इंटीग्यूमेंट इज जस्ट अ कवरिंग जो आगे चल के इस पर्टिकुलर सीड की सीड कोट बनेगी। सीड कोट समझते हो? सीड के ऊपर एक शाइनी लेयर होती है। इफ यू हैव सीन सम सीड, राजमा मान लो, राजमा के ऊपर एक शाइनी कवर होती है, दैट इज द सीड कोट। तो जब भी सीड को बाहर आना होता है, दैट सीड कोट इज वेरी हार्ड। सीड कोट को ब्रेक करके उसको बाहर आना होता है। ठीक है। ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाय इंटीग्यूमेंट। इट एनक्लोजेज अ न्यू सेलस, इट एनक्लोजेज अ न्यू सेलस एंड अ फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द हैप्लॉइड। अभी इसको न्यूक्लियस पढ़ते हैं, कई लोग इसको न्यूक्लियस मत पढ़ना। दिस इज नॉट न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज नॉट न्यूक्लियस, दिस इज न्यू सेलस, न्यू सेलस। इसको ध्यान से पढ़ो, न्यू सेलस है ये, न्यूक्लियस मत पढ़ना। कई न्यूक्लियस के तौर पे चलते हैं। दिस इज न्यू सेलस। व्हाट इज न्यू सेलस? इज जो वो सीड होगा, सीड के अंदर एक ऐसा छोटा सा ऐसे एम्ब्रियो सैक टाइप होगा। ठीक है। सीड के अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो सैक टाइप होगा, द सेंट्रल पार्ट। ओव्यूल जो होगा, नॉट सीड नहीं बोलेंगे हम, ओव्यूल जो होगा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर वी विल फाइंड एन एम्ब्रियो सैक कंटेनिंग द एम्ब्रियो सैक। सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल कंटेनिंग द एम्ब्रियो सैक इसको बोलते हैं। ओव्यूल का सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है। ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाई इंटीग्यूमेंट्स। ओव्यूल है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो डू वन थिंग जयदीप, तुम ही बनाओ और सबको ऐड कर दो और मुझे एडमिन बना दो। ठीक है। क्योंकि आई एम इन टू लाइक 2-3 मोर वर्क, सो आई गेट रियली बिजी आफ्टर योर क्लास। सो तुम कर दो वो काम, जस्ट मेक मी अ एडमिन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड देन वी ऑल कैन शेयर अवर डाउट्स एंड एवरी थिंग इन दैट ग्रुप। ठीक है, चलेगा। तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो अब अकेले अकेले सब मैसेज मत करना, सब वहीं पे मैसेज करते रहना। जो जैदी बनाएगा उसको कुछ भी अच्छा सा नाम दे देना आपके हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। इट एनक्लोजेस अ न्यू सेलस दैट इज द एम्ब्रियो सैक एंड अ फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म फ्रॉम द हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है। हैप्लोइड मेगास्पोर, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको फर्टिलाइज करेगा पोलन सैक आके, दैट इज द फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑफ कोर्स एग, 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 फीमेल गेमेटोफाइट एग, पोलन सैक, पोलन ग्रेन, एग, पोलन ग्रेन विल कम, एग को फर्टिलाइज करेगा एंड देन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। द फीमेल गेमेटोफाइट कंटेन्स आर्किगोनिया, ऑफकोर्स यहाँ पे वही नाम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्किगोनिया यूज कर रहे हैं। द पोलन ग्रेन्स आर कैप्चर्ड बाई द पोलिनेशन ड्रॉप सिक्रेटेड बाई दी माइक्रोपाइल ऑफ दी ओव्यूल। देखो, जो ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ओव्यूल्स में दो ऐसे वो होते हैं,
एंड्स होते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक दूसरा एंड होता है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, माइक्रोपाइल एंड समथिंग कोई तो एंड होता है। तो माइक्रोपाइल वाला ऐसे नीचे वाला होता है, ठीक है। द पोलन ग्रेन कैप्चर बाय द पॉलिनेशन ड्रॉप सिक्रेटेड बाय द माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एंड जो होगा इसका ओव्यूल का, व्हाट इट डज इट सिक्रीट समथिंग, और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लिक्विड सा सिक्रीट करेगा, एंड दैट सिक्रीशन विल अट्रैक्ट एंड विल कैप्चर, दैट सिक्रीशन विल कैप्चर दी पोलन ग्रेन्स, एंड देन वो पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के अंदर चली जाएंगी, ओव्यूल के अंदर चली जाएंगे। मैकेनिज्म इज अ बिट डिफरेंट, नॉट लाइक एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। व्हेन इट ड्राइज द ग्रेन्स आर सक्ड इन दी पोलन चेम्बर। जैसे ही ये ड्रॉप ड्राई हो जाता है तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे दे आर सक्ड इन टू दी पोलन चेम्बर, दे आर सक्ड इन दी पोलन चेम्बर। द पोलन ग्रेन्स नाउ जर्मिनेट, पोलन ग्रेन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगी। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द ट्यूब सेल्स, पोलन ट्यूब, देन पोलन ट्यूब विल गो अंदर जाके एग को फर्टिलाइज कर देगी। द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब बर्स्ट एंड रिलीजेस द मेल गैमेटोफाइट व्हिच फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जायगोट्स। ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन में तो यही होना है, इसमें कोई वो डाउट वाली बात नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम विल फॉर्म वॉट, पोलन ग्रेन्स, एंड मेगास्पोरेंजियम विल फॉर्म एग, ठीक है। तो एग कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर होगा। एग कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर होगा। तो व्हाट हैपेंस इज पोलन ग्रेन विल कम, जो ओव्यूल होगा इट विल रिलीज अ लिक्विड जिसपे जाके पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, एंड जब वो ड्राई हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स विल बी सक। तो फिर पोलन ग्रेन वहां से जर्मिनेट होगी, ओव्यूल के अंदर जाएगी एंड जाके एग को और फीमेल गेमेटोफाइट को फर्टिलाइज कर देगी टू फॉर्म अ जायगोट। एफ फर्टिलाइजेशन, जेड जायगोट, एफ जी से उसे याद रख सकते हो। द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब बर्स्ट एंड रिलीजेस द मेल गैमेटोफाइट व्हिच फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट, टू फॉर्म जायगोट, ठीक है। कोई डाउट नहीं, पॉलिनेशन तो डेफिनेटली यार आपको पहले से आता होगा, सेम चीज है, इसमें हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। अगेन फर्टिलाइजेशन एक टर्म बताने के लिए यह टॉपिक लिखा गया, दैट इज सिफनोगैमी। फर्टिलाइजेशन वगैरह सीखना हुआ, दैट इज अ मेल गैमेट आर कैरी टू आर सिगोनिया थ्रू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को यूज करते हुए जब मेल गैमेट, दैट इज मेल गैमेट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन, मेल गैमेट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन, जब पोलन ट्यूब का सहारा लेके एग को फर्टिलाइज करता है तब हम उसे बोल देते हैं सिफनोगैमी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, अब वो आप अपने आप से देख लेना, जब जब आएगा चैप्टर के बीच में तब हम देख लेंगे। फर्टिलाइजेशन दस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वाटर। यस वी आर सीइंग एन एडवांस्ड कैरेक्टर, यस और नो, वी आर सीइंग एन एडवांस्ड कैरेक्टर्स। पहले भी हमने देखा पॉलिनेशन, जब हमने पॉलिनेशन देखा ऊपर वाले उसमें, जब हमने पॉलिनेशन देखा तब हमने क्या देखा था कि इट हैपेंस एनिमोफिलेसली, एनिमोफिलेसली दैट इज यूजिंग व्हाट, दैट इज यूजिंग व्हाट विंड। देयर इज नो गेम ऑफ वाटर, वाटर का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब एक काम करो, अपना अटेंडेंस दे दो मुझे जल्दी से, ताकि कोई वो ना, अटेंडेंस दे दो जल्दी। फर्टिलाइजेशन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल वाटर की जरूरत नहीं है, विंड से भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो विंड से जो जो ये पोलन ट्यूब के सहारे से जो पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सिफनोगैमी। जिम्नोस्पर्म्स के केस में टेरिडोफाइट, और जिम्नोस्पर्म केस में फर्टिलाइजेशन वाटर के एब्सेंस में हो जाता है, वाटर के एब्सेंस में हो जाता है।
मुझे एक चीज बताओ, दिस ये कौन है, नेहा। नेहा तुम्हारे दो दो डिवाइस से क्यों देख तुम्हारे नाम आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक चला गया एक। यू यूजिंग वन डिवाइस और टू डिवाइस, आपके दो दो बार नाम आ रहे हैं। व्हाट इज द इशू, कैन यू जस्ट टेल मी। वन डिवाइस ओके, क्योंकि यहाँ दो तो दिख रहा है। चलो ठीक है, अब देखो वो जो सीड प्रोड्यूस होना है, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन हो गया, हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं तो सीड्स तो बनने ही बनने हैं, तो भाई सीड्स बनाते हैं। सीड्स बन गए, बनना क्या है, बन ही गया है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया बस। तो जाइगोट एनक्लोज्ड है किसमें, जाइगोट एनक्लोज्ड है किसमें, एक सीड के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर वो सीड्स है, टिल गिव राइज टू अ सीड। एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू अ सीड। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल डेवलप्ड इनटू अ सीड एंड द इंटिग्यूमेंट्स फॉर्म द सीड कोट। एज आई हैव टोल्ड यू, जो इंटिग्यूमेंट होगा एक ओव्यूल के सराउंडिंग में, वो इंटिग्यूमेंट क्या बन जाएगा, वो इंटिग्यूमेंट बन जाएगा, वो इंटिग्यूमेंट बन जाएगा क्या, सीड। इंटिग्यूमेंट बन जाएगा सीड कोट एंड ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीड। ओव्यूल सीड बन जाएगा एंड इंटिग्यूमेंट सीड कोट बन जाएगा। ठीक है, इफ आई फाइंड अ एनिमेटेड वीडियो ऑफ दिस आई विल शेयर ऑन दैट ग्रुप जो जयदीप बनाने वाला है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दीज कोन्स, तो ऐसी होती हैं वो कोन्स जिनकी हम तब से बात कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर दोज लीव्स, स्केलिएज, फोली। देखो नीचे नीचे अगर ध्यान से देख सकते हो, इसी इसी इसको ध्यान से देखो ना, तो दीज ग्रीन कलर्ड लीव्स आर दी फोलिएज लीव्स, आर दी फोलिएज लीव्स, द नीडल लाइक लीव्स। एंड नीचे देखो ये वाले लीव्स, देखो नीचे दिख रहा है ब्राउन ब्राउन कलर के, यहाँ पे डार्क में, ये हैं स्केली लीव्स, प्लांट के नीचे होते हैं ये। यहाँ पर है सारे स्केली लीव्स उसके, छोटे छोटे देखो ब्राउन ब्राउन स्केली लीव्स हो जाते हैं नीडल लाइक। ठीक है, तो हाँ अब बस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और ये बचा है, जल्दी से ये भी कर लेते हैं। अब देखो वो जो मैं बता रहा था कि साइकिल देखेंगे, साइकिल देखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहीं से हमें सारा समझ में आ जाएगा। देखो एज वी हैव टोल्ड कि ये हेट्रोस्पोरस कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, वन विल बी मेल स्पोर्स एंड वन विल बी दी फीमेल स्पोर्स। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर से भी बनते हैं। जो मेल स्पोर्स हैं वो हमें कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल से होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल यानी वो लीव जो माइक्रोस्पोर बेयर करेगी, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल, एंड वो लीव जो फीमेल ऑर्गन बेयर करेगी दैट इज मेगास्पोरोफिल। तो अब सी, यू कैन जस्ट सी इट। देखो ये जो बड़े कलर के, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जो ब्राउन कलर के आप आपके लैब में जो हमने ऊपर फोटो देखी ना, वो जो बड़े कोन्स होते हैं दैट इज ऑलवेज फीमेल। ठीक है, फीमेल चल रहा है यहाँ पे। ऑन द राइट साइड इज द फीमेल एंड ऑन योर लेफ्ट साइड इज येलोश कलर कोन्स, द स्मॉलर कोन्स आर द मेल कोन्स, और यू कैन कॉल देम एज द माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब ये जो कोन है जिस स्ट्रक्चर पे बेयर कर रहे हैं, जिस लीफ पे बेयर कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल। वो लीव जिस पे माइक्रोस्पोर बेयर कर रहा है एंड वो लीव जिस पे मेगा स्पोर बेयर कर रहा है। ठीक है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम एंड दिस इज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, व्हाट हैपेंस इज ये देखो, ये है माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, तो यहाँ पे भी जो माइक्रोस्पोर होगा, जो माइक्रोस्पोर होगा, इट विल बी डेफिनेटली इन टू एन कंडीशन, बिकॉज हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन देख रहे हैं, हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन देख रहे हैं, ये भी टू एन होगा, ये भी टू एन होगा, बिकॉज हम स्पोरोफाइटिक कंडीशन देख रहे हैं, है ना। वी हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली कि जिम्नोस्पर्म्स स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक कंडीशन टू एन के फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो टू एन होगा, तो डेफिनेटली सबसे पहले माइक्रोस्पोर्स से हमें स्पोर्स बनाने हैं, स्पोर्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, मियोसिस तो लगेगा ही लगेगा, नहीं तो फोर एन हो जाएगा। तो दिस माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स विल अंडरगो व्हाट, अंडरगो मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, यू कैन कॉल देम माइक्रोस्पोरेंजियम। दीज माइक्रोस्पोरेंजियम विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स, अगेन मेगास्पोरेंजियम अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म मेगा स्पोर्स। स्पोरेंजियम से स्पोर्स बन रहा है। ठीक है, चार बनते हैं इनमें मियोसिस के बाद, हमेशा एक एक सेल अगर मियोसिस में जा रहा है तो चार चीजें प्रोड्यूस होती है। ठीक
ठीक है, मियोसिस में यहाँ पर देखो चार में से तीन डीजनरेट हो जाएंगे, तीन डीजनरेट हो जाएंगे, एक रह जाता है, यही होता है यूजुअली फीमेल में, बिकॉज देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली वन एग ना, बिकॉज एग इज स्टेशनरी, बट जो मेल है उसको ट्रेवल करना है, तो इसको ट्रेवल करना है इसलिए इट रिक्वायर्स एन नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, एन नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर विल डेफिनेटली अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म बहुत सारे व्हाट, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, दैट इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एन एन चल रहा है क्योंकि मियोसिस हो चुका है यहाँ पे, ये एन चल रहा है, गैमेटोफाइट हम इसको बोल रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो क्या होना है, पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ से ये रहा फीमेल गैमेटोफाइट, ये रहा बैठा है यहाँ पे, दिस राउंड स्ट्रक्चर, दिस इज द ओव्यूल, ठीक है, दिस इज द ओव्यूल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। सी देखो ये कहाँ पर हो रहा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये द ब्राउनिश पार्ट इज दीज कॉन्स, कौन एक इसकी, ये एक लीफ है, ये जो ये दिख रहा है ना, दिस इज माइक्रोस्पोरो मेगास्पोरोफिल, दिस इज अ लीफ मेगास्पोरोफिल, वो लीफ के ऊपर बैठा हुआ है कौन, देखो जैसे ये लीफ के ऊपर बैठा हुआ है दिस ओव्यूल, ठीक है, दिस लीफ के ऊपर, दिस लीफ के ऊपर बैठा हुआ हमारा ओव्यूल। व्हाट हैपेंस इज देखो माइटोसिस से बहुत सारे हमारे स्पर्म बन, ये बन गए पोलन्स बन गए, अब पोलन्स उड़ते उड़ते आ जाएगा यहाँ पे उसके माइक्रोपाइलर एंड पे, ओव्यूल के नीचे वाले एंड पे, एंड देन अपना वही पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन हो गया एंड देन फर्टिलाइजेशन। आई टोल्ड यू हमने ऊपर पढ़ लिया है कि पॉलिनेशन कैसे होगा एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। दिस इज द आर्किगोनियम विद एग, ठीक है, दिस इज द आर्किगोनियम, दिस स्ट्रक्चर इज द आर्किगोनियम विद, आर्किगोनियम विद एग, यू कैन कॉल इट ओव्यूल विद एग, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, दिस ये जो आउटर कवरिंग थी ब्राउन कलर की ब्रेक, ये ब्रेक हुई और एक पोलन ग्रेन अंदर चला गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट मेच्योर होके उसी के अंदर बन गया एम्बेरियो, ठीक है, उसी के अंदर बन गया एम्बेरियो, दिस डेफिनेटली फॉर्म्स अ सीड, ये एक सीड बन चुका है, जब ये जाएगा जर्मिनेट करेगा अगेन इट विल गिव राइज टू अ, बिकॉज अब ये 2N हो गया ना यहाँ पे, जायगोट देखो 2N हो गया, 2N दिस वी गॉट अ जायगोट, वी गेट एन एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट डिविजन होने के बाद, एंड देन दिस एम्ब्रियो विल डेफिनेटली गिव राइज टू अ मेच्योर स्पोरोफाइट, दिस विल गिव राइज टू अ मेच्योर स्पोरोफाइट। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में कोई डाउट है तो मुझे एक बार वापस से बताओ, इस पर्टिकुलर डायग्राम में कोई डाउट है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ डाउट है, मतलब हमने जो भी पढ़ा वो इस डायग्राम से क्लियर हो गया है कि नहीं, कोई भी टर्म इसमें से ऐसा कुछ है जो आपको अभी तक समझ नहीं आया हो तो यू कैन टेल मी। यस 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 यस, माइक्रोस्पोर एन है, देखो ना मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बन रहा है ना, यदि मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बन रहा है ना, मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर बन रहा है, मियोसिस होने के बाद मेगास्पोर बन रहा है, ठीक है। तो जहां मियोसिस हो गया वहां पे काम खत्म, वहां पे 2N से N हो गया। तो आई होप ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है आपको, तो दिस इज दी फीमेल कोन, मान के चलो फीमेल कोन, इफ व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि ये हैं वो, इनके अंदर यहाँ पे बैठे होते हैं ये ओव्यूल वगैरह, ठीक है, सारे सीड्स वगैरह यहीं पे होते हैं, ये सीड्स वगैरह सब जर्मिनेट हो जाते हैं जब सीड्स यहाँ से निकल के मेच्योर होकर सीड्स निकल जाते हैं। अब दिस इज एम्प्टी, अब ये जो कोन है ना दिस इज एम्प्टी, इसके सारे सीड्स वगैरह सब खाली हो चुके हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, बाद में गिर जाता है, एज वी हैव सीन की जो मेल कोन होते हैं बहुत ही जल्दी गिर जाते हैं प्लांट से, बट फीमेल बहुत टाइम तक प्लांट्स पे लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं, ताकि ये जो सीड्स है इसके अंदर ये मैच्योर हो जाए, और फिर जब ये मैच्योर हो जाएंगे, जब ये जमीन पे गिर जाएंगे फिर पूरा खाली हो जाएगा सारा, जैसे ये खाली हो जाएगा तो फिर ये वाला भी राइप होके ये कौन भी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। दिस वॉज दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जिम्नोस्पर्म्स, एंड नाउ वी विल सी द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि एंजियोस्पर्म्स भी शुरू कर सकें हम। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जैसे भाई तुम्हारे लैब बायो लैब्स में टंगाए होते हैं कलरफुल करके, वही है जिम्नोस्पर्म्स आर ग्रो इन गार्डन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वुड्स, ठीक है, गार्डन वगैरह में ग्रो करते हैं बिकॉज दिखने में बहुत अच्छे, छोटे छोटे होते हैं एंड एकदम मतलब अच्छे दिखने में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोन्स होते हैं, मैं जो आपको फोटोज भेजूंगा थोड़ी देर में, फोटोज में चेक करना कितने अच्छे अच्छे टाइप के कोन्स वगैरह होते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। साइकस रेवोल्यूटेन जिंकोबा आई हैव द फोटो ऑफ जिंकोबो बाइलोबा, आई थिंक आई ऑल्सो हैव द फोटो फॉर साइकस रेवोल्यूटा, तो मैं ये दिखाऊंगा। वुड सबल लकड़ी के
एज अ वुड के फॉर्म पे भी हम यूज है। सर्वर प्लांट्स ऑफ द यूरोप यील्ड्स यूजफुल टिम्बर, टिम्बर मतलब वो टिम्बर मतलब टिम्बर या लकड़ी, लोगों को पता है। एसेंशियल ऑयल्स वगैरह हम निकालते हैं इन प्लांट से। दीज ऑयल्स आर मेनली यूज इन परफ्यूमरी, सोप इंडस्ट्री, परफ्यूम्स एंड सोप्स वगैरह में हम यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री, द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म पर्टिकुलरली दोज इन कॉनिफर्स इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने में होता है। एडिबल, द सीड्स ऑफ पाइनस जेरेडिना, पाइनस जेरेडिना एंड पाइरस रॉक्सी बर्गी आर एडिबल। इनके जो सीड्स होते हैं दे आर एडिबल, बोला इन्होंने खा मत लेना, मिलेंगे ही नहीं तुम्हें ये। मेडिसिनल यूज, पीसेस ऑफ इफेड्रा यील्ड्स एन अल्कलॉइड कॉल्ड एज इफेड्रिन, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये सारे यूज हैं। ऑर्नामेंटल वुड, एसेंशियल ऑयल, पेपर, एडिबल, मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज। तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म, ये था हमारा जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब आता है हाईली इवॉल्व, मतलब ऐसा है कि जितना इवॉल्व जा रहे हैं उतनी नॉलेज हमें है, बिकॉज हमें अलगी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। आपने थैलोफाइटा नहीं देखा है, आपने ब्रायोफाइटा नहीं देखा है, आपने टेरिडोफाइटा नहीं देखा है, बट आपने जिम्नोस्पर्म देखा था, तो वो टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है, बिकॉज कंसेप्ट आर ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम द अवर लास्ट 5 to 6 क्लासेस। द सेम गोज विद एंजियोस्पर्म्स, यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, हैव यू डू यू नो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? हैव यू डन दैट पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ ओव्यूल जिसमें हम ओव्यूल बनाते हैं? एक मिनट, मैंने शायद बनाया तो आपको दिखाता हूँ, नहीं बनाया तो। डबल फर्टिलाइजेशन तो पढ़ा ही होगा यार आप लोगों ने। थिंक मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट ये वाला डायग्राम कोई कुछ बोल रहा है क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, वहां पे मैसेज करना, वहां देख लेना। देखा है तुमने वो होता है, देखो ऐसे राउंड होगा, गिर गया कुछ, छोड़ो। अरे देखो, सिनर्जिड्स, एग सेल, एंटीपोडल सेल, कभी सुना है कि नहीं? सिनर्जिड्स, एग सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, कुछ तो बोलो। नो नो नो। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। हम डबल फर्टिलाइजेशन भी करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन तुम बोल रहे हो, तुमने किया है डबल फर्टिलाइजेशन? भाई यस बोल रहा था कोई, तुम्हें सिनर्जीज एंटीपोडल्स नहीं पता तो तुमने डबल फर्टिलाइजेशन कैसे पढ़ा? कौन है वो टीचर, नाम बताओ मुझे। डबल फर्टिलाइजेशन में सब हाँ 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 कर रहे थे। सिनर्जीज, एंटीपोडल्स, एग सेल्स किसी ने पढ़ी नहीं है। नहीं पढ़े तो हम है ना, हम पढ़ाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है चलो, एंजियोस्पर्म स्टार्ट करते हैं। बहुत टफ टॉपिक है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं है। एंजियोस्पर्म्स, एंजियन ग्रीक में मतलब होता है कवर्ड, स्पर्मा मतलब सीड। रिविजन पढ़ा है हमने। एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, कंस्टिट्यूट द मोस्ट डोमिनेंट वेस्कुलर प्लांट ऑफ द प्रेजेंट डे फ्लोरा, विच चेंज द ग्रीन एंड येलो मेलाकोनी ऑफ द अर्थ वेजिटेशन बाई कलरफुल ब्राइटनेस एंड फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर। बिकॉज अगर आप एंजियोस्पर्म्स इमेजिन नहीं कर रहे हो तो यू विल ओनली ऑब्जर्व अ ग्रीन कलर्ड थिंग, ब्राउन कलर्ड थिंग, बस कोन्स के कलर देख लोगे थोड़े बहुत, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट जब एंजियोस्पर्म आया तो इन्होंने वेराइटी ऑफ कलर्स रिप्रेजेंट किए बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, रोज, लिली, जैस्मिन, हिबिस्कस, ट्यूब रोज, इतने सारे प्लांट्स, फ्लावर्स। ठीक है, द टर्म एंजियोस्पर्म्स मीन्स एनक्लोज्ड, एंजियोस्पर्म मीन एनक्लोज्ड, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज द ओव्यूल्स और द पोटेंशियल सीड्स, ओव्यूल ही सीड होता है, ओव्यूल और द पोटेंशियल सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ हॉलो ओवरी। जो ओव्यूल होना है, जो ओव्यूल होना है वो ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होना है,
ओवरी ओव्यूल होगा वो ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होगा. इन दिस रिस्पेक्ट दे आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट हाईली इवॉल्व एंड एडवांस्ड एज कम्पेयर टू द नेकेड सीड्स जिम्नोस्पर्म. तो ये है बिकॉज इसमें देखो पहले जो सीड्स थे वो नेकेड थे, अब क्या हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई ये सीड्स हैं, ये सीड्स तो एनक्लोज हैं ओवरी के अंदर. तो हम एक और हाई लेवल मिल चुका है, इससे ऊपर अभी तक हमें कोई प्लांट मिले नहीं है, मिलेंगे जब हम बना देंगे कैटेगरी. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सीड्स होंगे, जो ओव्यूल है, दैट इज ओव्यूल इज एनक्लोज्ड इन एन ओवरी. ओव्यूल एक ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड है, ओव्यूल एक ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड है. तो ओवरी विल गिव राइज टू दैट फ्रूट, ओव्यूल विल गिव राइज टू दैट सीड. ये चीज हमें पता है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखना है हमें, कोई जरूरत तो नहीं है बट देख लेते हैं. दिस इज द वेरी इजी टॉपिक, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड यू शुड नो दैट स्ट्रक्चर, यू शुड नो द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड बस यही सब होता है, और तो कुछ होता नहीं इसमें. हाँ फिर कुछ टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे हम, एप्लो डिप्लोंटिक, डिप्लो एप्लोंटिक, एंड दैट विल बी इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. तो अभी के लिए मीटिंग रूम इज लॉक्ड. ओह नो 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 नो, लॉक हो गया. कोई आ रहा है क्या, क्या कोई आना चाहता है, कर दिया अनलॉक, तो हो गया अनलॉक. ठीक है देखो चलो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं. एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट. यस, सबसे ज्यादा अबंडेंस इन्हीं की है बाहर. अभी भी अगर आप विंडो के पास बैठे हो बाहर देख लो, एंजियोस्पर्म्स दिख जाएगा, कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा. बालकनी में देख लो, इफ यू हैव फ्लावर पॉट्स तो उनमें सारे एंजियोस्पर्म्स ही भरे पड़े हैं. ठीक है, दीज प्लांट्स ग्रो फ्लावर, शेड सीड्स एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ फ्यू वीक ऑफ द रेनी सीजन. ठीक है, नॉट मैंडेटरी बट रेनी सीजन में लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, सम फ्लावरिंग प्लांट लाइक जोस्टेरा जोस्टेरा ऑकर इन शेलो सीज. ठीक है, अब ये वेराइटीज बता रहे हैं कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये. जोस्टेरा ऑकर इन शेलो सीज, शेलो सीज मतलब सी जिसका डेप्थ उतना नहीं है. शेलो सीज में हमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं जिसका नाम है जोस्टेरा. अ स्मॉल ऑर्किड एवन लिव्स अंडरग्राउंड. ऑर्किड्स आर काइंड ऑफ अ प्लांट्स, बहुत ही अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर उगते मिलते हैं. ऑर्किड्स देख लेना, सर्च कर लेना एक बार. इट सर्वाइव्स एज अ सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट पता है ना, किसी डेड प्लांट के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी हमें ये चीज मिलती है. लिकिंग ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ देयर माइकोराइजल एसोसिएशन विच हेल्प्स टू ऑब्टेन नरिशमेंट. सेम यही माइकोराइजल एसोसिएशन न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने के लिए. इंड्रोन फॉरेस्ट, सम ऑफ द प्लांट ग्रोज ऑन ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट. ठीक है, एज अ क्लाइंबर्स भी ग्रो करते हैं, एक प्लांट दूसरे ब्रांच के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर ब्रांचेस वगैरह कॉइल वगैरह करके भी ग्रो होता है. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स. ए दूसरे, एपी यानी ऑन द सर्फेस. यस, एपी यानी ऑन द सर्फेस, फाइट्स यानी प्लांट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट्स. अगर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है तो उनको बोलते हैं वेंडा. एग्जाम्पल चेक करें ना वेंडा क्या होता है, चेक करें ना वेंडा क्या होता है. द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस फ्लावर विच नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फोर वर्ल्स. प्लांट के, फ्लावर के वर्ल्स तो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, प्लांट के वर्ल्स पता है कि नहीं पता है. सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल. ये तो 10th का टॉपिक है, ये मत बोलना 0. 10th का टॉपिक है. देखो चार वॉल्स होते हैं. सेपल्स यानी दैट ग्रीनिश कलर का पार्ट. ठीक है, ग्रीन कलर का पार्ट जो एक प्लांट के पेटल्स को होल्ड करके रखता है, दिस सेपल. पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट जो इंसेक्ट्स वगैरह और ह्यूमंस को भी अट्रैक्ट करता है. ठीक है, पेटल्स. एंड टू इनर एसेंशियल पार्ट्स आर स्टेमेंस एंड कार्पल. स्टेमेंस, स्टेमेंस के दो पार्ट होते हैं. व्हाट इज दिस, फिलामेंट एंड एंथर. कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये चीज आप अगर उस टाइम पे आपको नहीं पता है ना, अभी के टाइम पे आपको नहीं पता है ना, तो वो मत करना, आप अपने नोटबुक में लिख लेना अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो. ठीक है, ये हो गया, ये था कैरेक्टरिस्टिक फीचर. और भी है ऐसे देखते हैं, सब पता है हमें क्योंकि इसलिए हम जल्दी जल्दी ले रहे हैं. मेन टॉपिक तो हमें इसका कल ही लेना है. द स्टेमिन और यू कॉल इट माइक्रोस्पोरोफिल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल यानी
किसी भी वे में काट दो वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा बाय लेटरली सिमेट्रिकल, किसी भी सेक्शन से काट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एन एंथर. यस द स्टेमेंस और यू कॉल इट माइक्रोस्पोरोफिल्स आर बाय लेटरली सिमेट्रिकल. ईच स्टेमेन कंसिस्ट फिलामेंट एंड एंथर. ये दो बार हो गया ना, काटो इसको, रिपीट हो गया. In angiosperms, the insect and the animals act as a pollinators. Yes, of course, हम भी pollinator, pollination में help करते हैं, animals भी करते हैं, wind भी करता है, water भी करता है, बस बहुत सारी चीज़ें हैं. For this purpose, the flowers possess bright and showy petals, edible pollen and nectar. ये चीज़ तो पता ही है आप लोगों को, पहले छोटी क्लासेस में क्वेश्चन आया होगा, why are the petals so colorful? फिर ये अपने लोगों ने आंसर लिखा होगा, because to attract animals and insects so that the pollen grains can be dispersed. Yes, the carpel or pistil. I don't know pistil use karte ho ki nahi karte, but hum jab padhte the hum to pistil hi bolte the isko. Carpel pata nahi kab se diya hai inhone, definitely hamesha rehta tha slash mein pistil aur carpel. I used to call it pistil. So agar main kahi pistil bolu to imagine kar lena main carpel ki baat kar raha hu. That is megasporophyll. Are rolled and partly sterile so that they enclose the ovule within a hollow ovary that is connected with a stigma and a style. ठीक है, partly sterile in the sense वो बहुत ही embedded type of structure होता है, embedded type of structure होता है. ठीक है, you observe a stigma. Stigma तो ऊपर वाला part होता है जिसमें pollen stick होता है आके, and style is the वो thing जिसमें pollen tube grow करती है, that neck type of a thing. Is the style. ठीक है, the female gametophyte is highly reduced and consists of a single egg cell. The female gametophyte, of course, single egg cell होगा female gametophyte. ठीक है, ये हमने देखा है, ये वही मैं आपको बोल रहा था, टू सिनर्जीज एंड थ्री एंटीबॉडल सेल्स. ये जब हम डबल फर्टिलाइजेशन में तब डिटेल में आ जाएगा, अभी के लिए मान के चलना जो हम वो ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं ना, ये वाला डायग्राम, ये ऐसे वाला जो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा था बट आप लोगों ने देखा नहीं. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. तो इसके अंदर हमारा होगा ओव्यूल, इसके अंदर हमारा होगा ओव्यूल. ठीक है, ओव्यूल के देखो यहाँ पर होते हैं तीन सेल्स, यहाँ पे होते हैं तीन सेल्स. ठीक है, बीच में होते हैं दो सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको. ठीक है, बीच में होते हैं, यहाँ पे होता है एक एग सेल होगा, एक एग सेल होगा नीचे, एक एग सेल होगा, साइड साइड में दो सिनर्जिड्स होंगे, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होगा, एंड ऊपर हमारे एंड थ्री एंटीपोडल्स होंगे, थ्री एंटीपोडल्स होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स देखो कितने हो गए अंदर उस ओव्यूल के अंदर, थ्री आर एंटीपोडल्स, टू आर पोलर न्यूक्लियाई, वन इज एग एंड टू इज सिनर्जिड्स. 3 + 2 = 5, 6, 7 and 8. देर आर 8 नंबर ऑफ सेल्स इन साइड दिस ओव्यूल. ठीक है, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई है, नीचे ऐसे होता है देखो, ये एग होगा, एग के साइड में ऐसे दो सिनर्जिड्स होते हैं, सिनर्जिड्स पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. जब हम डायग्राम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, कोई डाउट मत लेना, बहुत इजी चीज़ है ये, बच्चों वाली चीज़ है. ठीक है, तो 8 सेल्स होते हैं उसके अंदर. ठीक है, 8 सेल्स होते हैं. द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन. वी विल बी ऑब्जर्विंग डबल फर्टिलाइजेशन. देखो जस्ट एक हिंट दे देता हूँ क्या होता है, जब पोलन ट्यूब आती है ना तो उसमें सिर्फ एक पोलन ग्रेन नहीं होता है, वो एक पोलन ग्रेन डिवाइड, एक पोलन ग्रेन यहाँ अंदर आते आते इट गेट्स डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. एक पोलन ग्रेन दो में डिवाइड हो जाता है, एक तो जाके किसको करेगा फर्टिलाइजेशन करना है, तो एक पोलन ग्रेन तो डेफिनेटली एग को फर्टिलाइज करेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा, एंड दूसरा पोलन ग्रेन जाके पोलर न्यूक्लियाई जो है ना, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देगा, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देगा. पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने से क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, विच इज द न्यूट्रिशन, विच इज द न्यूट्रिशन फॉर द सीड्स. एंड एग को फर्टिलाइजेशन करने से क्या ही बनेगा, एग को फर्टिलाइजेशन करने से क्या ही बनेगा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, सीड बन गया, ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म द कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म टू सीड. And this outer covering, this fleshy part, outer fleshy part will transform into fruit. तो इसमें क्या होगा, देखो as you know कि seeds बन तो गए, but seeds germinate तभी करेंगे जब favorable conditions आएं. For example, you see a grain of a rice, a grain of a wheat, a grain of a kidney bean. ये जब आप देखते हो तो you will see कि if at all अगर आप
नॉट किडनी बीन, नॉट इफ यू एज कंसिडरिंग पी प्लांट, मटर इफ यू कंसिडर करते हो, है ना। तो इनको जब आप स्प्राउट्स हम जिनको बोलते हैं, हम थोड़ी देर भिगा के रख देते हैं तो वो स्प्राउट निकल जाता है, स्प्राउट्स निकल जाते हैं उसके, तो दैट स्प्राउट सीड से ही निकलता है वो, ठीक है, वो स्प्राउट सीड से ही निकलता है। तो उस मतलब ऐसा है कि वो पर्टिकुलर प्लांट इतने लंबे टाइम के बाद भी जर्मिनेट कर रहा है, तो मतलब दैट सीड सीड इज अलाइव, दैट सीड इज अलाइव, कि जैसे ही उसको हमने फेवरेबल कंडीशन दिए, हमने मॉइस्ट कंडीशन दिया, वो स्प्राउट कर गया। ठीक है, चना एग्जाम्पल ले लो यार, द ब्लैक चने, उसको थोड़ी देर सोक करके रखो पानी में, दे विल स्प्राउट, है ना। तो वो स्प्राउट से क्या पता चलता है हमें कि ये जो सीड्स है दीज वर अलाइव, ये इनएक्टिव थे, डोरमेंट फेज में थे, इनएक्टिव थे बट डोरमेंट फेज में थे, बट अलाइव थे। तो सीड को अलाइव रहने के लिए खाना चाहिए होगा, वो खाना उन्हें कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। खाना उन्हें कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो कोकोनट ट्री, कोकोनट होता है, कोकोनट, कोकोनट में जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज योर एंडोस्पर्म। कोकोनट में जो लिक्विड दैट वी ड्रिंक दैट इज नथिंग बट एंडोस्पर्म, दैट एंडोस्पर्म इज फॉर द सीड्स, बट हम बींग अ ह्यूमन ग्रीडी पीपल हम पी जाते हैं उसको, पी लेना चाहिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, दैट इज दैट लिक्विड पार्ट इज एंडोस्पर्म। तो आप समझ गए हो क्या होगा डायग्राम में, जब हम साइकिल देखेंगे, इसका एक डायग्राम देखेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। पोलन ग्रेन जब आता है, पोलन ग्रेन जब आएगा, नीचे नीचे आएगा, वो दो में डिवाइड कर जाएगा, पोलन ग्रेन दो हो जाएंगे, एक नहीं होगा, दो हो जाएंगे अंदर आने के बाद। एक पोलन ग्रेन जाके फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक है, तो टू फॉर्म अ जाइगोट, और दूसरा जाके करेगा पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज। पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा तो वो हो जाएगा क्या, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वहां पे बन जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज दी रिजर्व्ड फूड मटेरियल फॉर दिस ओव्यूल, दिस सीड, दिस सीड। तो दिस एंटायर अंदर वाला राउंड स्ट्रक्चर विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, दिस आउटर स्ट्रक्चर विल इज ओवरी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्रूट, जो हम खा लेते हैं, सीड्स हम फेंक देते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये हम डिटेल में जब डायग्राम देखेंगे सब समझ में जाएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो क्या हो रहा है। द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड जाइगोट एंड दैट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और अ न्यू स्पोरोफाइट, नया प्लांट बन जाता है उससे। अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड यानी 3N, ट्रिप्लॉइड यानी 3N, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, दो सेल्स, टू एग सेल्स, सिंगल, टू सिनर्जीज, 3 एंटीपोडल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बन जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल राइपन्स इनटू सीड, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड, एंड ओवरी राइपन्स इनटू फ्रूट, ओवरी राइपन्स इनटू फ्रूट, ओवरी राइपन्स इनटू फ्रूट, 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 ठीक है। साइज मतलब ऐसे ही दे दिया टॉपिक, और अटक रही है, नहीं अटकेगी, नहीं अटकेगी, हमें खत्म करना है ये। क्या टाइम हो गया, वी हो गया, टाइम तो हो गया, शिट। चलो एक काम करना, एक काम करना, ये जो लास्ट का टॉपिक है बस एक बार रीड कर लेना, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, बिकॉज वैसे भी वी हैव वन मोर क्लास जिसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे डाउट्स वगैरह ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, कल लेंगे, अगर कल मैं नहीं ले पाया तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो भी क्लासेस होंगी हम तब ले लेंगे, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड इसके बाद से हम थोड़ी स्पीड और बढ़ाएंगे, बिकॉज 8-8 क्लासेस हम एक एक चैप्टर को नहीं दे सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो ठीक है, अभी के लिए गुड बाय। सर ये शीट नहीं है हमारे पास, भेजी है मैंने, भेजी है, देखना जिम्नोस्पर्म भेजी है, ढूंढना ढूंढना, उसी है, नहीं मिली फिर बताना मुझे। चलो गुड बाय, ऑल द बेस्ट।